हमारे घर के सामने एकदम फ्लैट हो गया, ये देखिए लाख पूजा भी मम्मी जी ने लाया और इसके पीछे भी है चार पांच। हेलो एवरीवन, कर लो नमस्कार, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मेरी छोटी सी वीडियो में स्वागत है। आज मैं यहाँ पे आज मैं ब्रेकफास्ट खाने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट बनाया है यहाँ पे काबुली बूट का चना है ये। तो ये काबुली चना, टमाटो, ये घुघरी जैसा बनाया है, ये देखिए बहुत टेस्टी है बनाया है। और कल का जो चाउमीन रह गया था वो आज भी खाऊंगी। और ये है रोटी, ज़्यादा नहीं, दो रोटी खाऊंगी। अब मैं ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, ठीक है। अंकल भी है मेरे साथ। सो हेलो एवरीवन, हेलो। तो मुझे फाइनली अभी वक्त मिला है वीडियो शूट करने का, क्योंकि सुबह का टाइम में ब्रेकफास्ट खाने में ही चला जाता है हमेशा, क्योंकि मुझे खुद भी ब्रेकफास्ट खाना है और बच्चे, दोनों बच्चे को भी ब्रेकफास्ट खिलाना है, क्योंकि ये दोनों बच्चे को संभालना इतना आसान नहीं है। तो उनको भी अभी मैंने उन दोनों को भी नहलाया और घर का कुछ एक दो काम किया, और उसके बाद कपड़े जो धोना था वो कपड़े भी धो लिया है और वो धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया। तो अभी मुझे वक्त मिला है वीडियो करने का। एक तो खेल रहा है और दूसरा बेबी वो सो गया है अभी। तो मैंने सोचा कि अभी मैंने वीडियो शुरू करती हूँ, नहीं तो फिर से वक्त नहीं मिलेगा वीडियो शूट करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या, और अभी का टाइम है 12 बजने वाला है, 12 बजने के लिए 5 मिनट और बाकी है। तो अभी मैंने वीडियो को शुरू किया, तो मैं आप सबको ऐसा कुछ चीज़ दिखाना चाहती हूँ। वो चीज़ डर भी लगता है देखने में और उसके सामने में जाने में भी डर लगता है, लेकिन उस चीज़ ना मतलब बहुत अच्छा है, देखने में भी बहुत अच्छा है और उसके सामने जाने पर भी मतलब बहुत डर लगता है। फिर भी जाऊंगी मैं वहाँ पे आप सबको दिखाने के लिए। वो चीज़ क्या है वो मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ, तो आप लोग चलेगा हमारे साथ, ठीक है। तो देखिए आए ये यहाँ पे शेर सोलो यहाँ पे खेल रहा है, उसका भाई तो अभी सो गया। आई डोंट नो वेयर इज़ योर हगीज। तो अभी शेर सोलो यहाँ पे खेल रहा है और छोटा बेबी है वो सो गया है अभी। तो मैं आप सबको वो चीज़ दिखाने जा रही हूँ, आप लोग भी देखिएगा वो क्या चीज़ है, वो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। तो आप लोग चलिएगा हमारे साथ। तो आप, मैं वो चीज़ आप सबको दिखाने के लिए जा रही हूँ। अभी तो बहुत धूप हुआ है, अभी तो बहुत धूप है, लेकिन शाम को शायद बारिश दे सकता है। अभी उनको क्या नहीं सो है तब मान भी जंगत थे लीना पकला ना मैं पोहला खुपी हरमू मैं लीना तुम नंगला दुनी बमा। तो यही है वो चीज़ जो मैंने आप सबको दिखाना चाहती हूँ, वो यही है। डर भी लगता है और देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखिए, मैं उसके सामने तो नहीं गया, लेकिन मैंने जूम करके ही वीडियो को किया है यहाँ पे, क्योंकि डर लगता है ना वहाँ पे जाने का। लहा के कोवे अपुली ला कोवे कपोसे मैंने मो लहा कोवे अरोंग थे लोपलोंग थे बिरी अलोंग बेथे के ए जी पुपु आफान ला है असे लहा लोंग रोंग रोंग निवे सिता में के ए दुन दुन ला मेग वांग थाय ला नो ना रोंग ता दिंग होय हाय साइड ले जो मैंने ला पिजो के दो और दिमा दुंग से ला कोवे बैंक कपोसे दुन है दी आमा सिनी लीना पकलांग पोन इप्रोई ला। आज इतना बारिश दे रहा है ना, इतना ज़ोर ज़ोर के बारिश दे रहा है। तो ये देखिए हमारे घर के सामने एकदम फ्लैट हो गया, ये देखिए। मैंने बोला था ना कि शाम को शायद बारिश दे सकता है, तो आज बहुत बारिश दिया है। और ये देखिए हमारे घर के सामने एकदम फ्लैट हो गया है पानी।
नॉन से बाजार दम पियो नॉन से बाजार दम जी पूजो सबसे काम तो चेटा से बाजार दम पू एकदम आरो के थे सो के लिए दी नो पो मार लो लांग रे पो मार लो तोवार छेला त जो मिली पक लाई पुरे लांग के हे ला पूजा हो प्रोग्राम दुई था फेस्टिवल अनबा हमका बनाई रे इंती लजो ये सब देखिए दोस्तों, ये सब अभी मम्मी जी ने लाया है बाजार से। ये देखिए इसको हम करबी भाषा में जठांग बोलते हैं इसको, और हम इसको बोलते हैं इंक्रोम, इसको इसको कहते हैं इसको भी इंक्रोम। और ये बेलिंग कहते हैं, ये इसको बेलिंग कहते हैं, जो चावल है ना, चावल धान ऐसे 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 काटे है इसको, झाटे है इसे इसके साथ। और अभी ये सब लाया है मम्मी ने बाजार से। और रात के लिए हम जो रेसिपी बनाएंगे वो ये है, वो बेम्बो शूट और मछली बनाएंगे। इसमें हम पानी, हल्दी और नमक डाल चुके हैं, अभी इसको उबालने देते हैं थोड़ी देर के लिए। बेम्बो शूट हमने ये सब ऐसा ही रखा है सालों तक रखने के लिए, ऐसा भयाम में ऐसा रखा है हमने। और इसके पीछे भी है, चार पांच है ऐसा। तो अभी हम यहाँ से ये एक ले लेंगे, ये बम्बो शूट, और ये देंगे हम यहाँ पे। ये देखिए ये अभी उबल रहा है, तो ये रहा जो बम्बो शूट। अभी मैं ये बेम्बो डालूंगी, बेम्बो शूट यहाँ पे डालूंगी, इतना भी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं डालना है। इसको एकदम ठीक से उबालने देना है इसको अभी। तो अभी हम यहाँ पे डालेंगे ये मिर्ची, ये ग्रीन कलर का मिर्ची है, ये पहाड़ में मिल रहा है ऐसा मिर्ची। तो अब हम ये डालेंगे ग्रीन चिली पेपर। अब यहाँ पे हम डालेंगे दो मिर्ची डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा देंगे तो बहुत तीखा होगा ना, तो इसीलिए हमने दो ही डाला है यहाँ पे। और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे, तो अभी हमने ढक्कन ढक दिया था, तो अभी हम ढक्कन उठाकर देखेंगे। अब हम यहाँ पे डाल लेंगे जो मैंने पीसी हुई अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये अब हम डालेंगे अभी। और इसके बाद हम डालेंगे रो फिश मछली डालेंगे अभी हम यहाँ पे। मैंने फ्राई नहीं किया, ये देखिए ये ऐसा ही डाला है आके वाई चाम सब सब सीपी। यहाँ पे हम तेल और मसाला कुछ भी यूज़ नहीं करूँगे, हम ये बॉईल ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट और ब्लैक सेसमे सीड्स का पाउडर ही यूज़ करूँगी यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे डाल चुके हैं सब कुछ मछली, अब इसको उबालने देना है अभी। इसको हम ढक देंगे और हम फिर से इसको ढक्कन उठा कर रखेंगे। मछली पक चुका है और इसको ढक्कन देने की ज़रूरत नहीं है, और अब इसको इसका थोड़ा सा पानी कम करना होगा। और इसमें डालेंगे हम वो ब्लैक सेसमी सीड्स पाउडर, वो डालेंगे। जो बेम्बो शूट हमने खट्टा बेम्बो शूट बनाया था वो खट्टा बेम्बो शूट ही हमने यहाँ पे डाला था, तो इसीलिए इस खट्टा को थोड़ा कम करने के लिए हमें यहाँ पे दिया है ये। तो ये है अजिनामोटो, इसको अजिनामोटो कहते हैं। ये देने से खट्टा थोड़ा सा कम होगा और खाने में बहुत ही टेस्टी होगा।
मछली और बैम्बू शूट पक गए हैं और अभी हम यहाँ पे डालेंगे ब्लैक सेसम सीड्स का जो पाउडर था वो मैं यहाँ पे डालूंगी अभी और थोड़ी देर के लिए इसको उबालने देती हूँ। अभी मैंने 2-3 मिनट के बाद फिर से देखा और ये देखिए इसका पानी जो है ना वो बिल्कुल मतलब कम हो चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे कुछ मसाले का पत्ता यहाँ पे डालेंगे उसका सेंट के लिए। मैं यहाँ पे डालूंगी वो ग्रीन कलर का मसाले का पत्ता डालेंगे। और ये जो कसू सीपी नीला और खतुन हाने मैंने लो जो मैंने मछली और बैम्बू सूट बनाया था वो आप बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो मैं अभी गैस बंद कर देती हूँ। तो ये रहा जो मैंने बैम्बू शूट और फिश बनाया। आप लोग भी ऐसा बनाइएगा ये बैम्बू शूट के साथ फिश। इसमें मसाला तेल कुछ भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ मैंने बॉईल ही बनाया है। यहाँ पे खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप लोग भी बनाइएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।